केंद्र सरकार के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव माथे लोकसभा में आज दूसरे दिन भी बहस जारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी माथे अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नो पलटवार। आजादी का अमृत महोत्सव रे तहत आज सु देश प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान री हुई शुरुआत। राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। कर्तव्य पथ माथे आखा देश री पंचायता री माटी सु बनाई जावेला अमृत वाटिका। भारत छोड़ो आंदोलन री बरसी रे मौके आज भारतीय जनता पार्टी रा सांसदा कानी सु चलाया जा रहा है अभियान। भ्रष्टाचार परिवारवाद और वोट बैंक री राजनीति रे खिलाफ चलायो गयो है अभियान। विश्व आदिवासी दिवस रे मौके कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानगढ़ धाम में राखी गई जनसभा ने किनो संबोधित। कयो आदिवासी भारत रा पहला निवासी। और प्रदेश में मानसून रा तेवर हुआ कमजोर। मौसम महकमा रे मुताबिक 15 अगस्त रे पाछे एक बार फेरु मानसून हो सके है सक्रिय। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप स्वागत। और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माथे लोकसभा में आज दूसरे दिन भी बहस जारी है। आज बहस की शुरुआत करता थका कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बहस में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहो कि कांग्रेस रा मन में गद्दारी है। मणिपुर खंडित नहीं है बल्कि देश रो हिस्सों है। आज सत्ता पक्ष कानीसू गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन भी शिरकत कर सके है। काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा रो जवाब देवेला। लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सरकार की तरफ से आज सबसे पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने चर्चा में हिस्सा लिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी के भाषण पर जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आप इंडिया नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहली बार सदन में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस के सांसद यहां ताली बजाते रहे। यह दिखाता है कि उनके मन में लोकसभा में इंड भगत चल रही बहस में गृहमंत्री अमित शाह जवाब दे रहे हैं। जिनका सीधा प्रसारण खत्म आपा चलना लोकसभा जवाब दे। इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियमों के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है और ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल
भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। आखा प्रदेश में आसू मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत 15 अगस्त तक के कार्यक्रम रखा जावेला। इन रे तहत सगला गांवारी ग्राम पंचायत में 11 अगस्त ने और ब्लॉक स्तर माथे 15 अगस्त ने कार्यक्रम रखा जावेला। अभियान रे तहत माटी री शपथ, अमृत सरोवर रे कने अमृत वाटिका बनाबा, स्वतंत्रता सेनानी विरंगनावा वे वणारा परिवार रे अलावा केंद्रीय और राज्य सशस्त्र सीमा बल और पुलिस रा लोगारो सम्मान भी करे जावेला। मेरी माटी मेरा देश रे तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर का निशु आज जलमहल माथे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। 30 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर भव्य आयोजन के साथ इस अभियान का समापन होगा। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम रे तहत आज पौधारोपण कार्यक्रम रखियो गयो। इन में बड़ी तादाद में लोग पौधा लगाया। राष्ट्रीय सेवा योजना रा क्षेत्रीय निदेशक एसपी भटनागर बतायो कि इन कार्यक्रम रे तहत बड़ी तादाद में पौधा लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के 2 लाख स्वयंसेवक इस कार्यक्रम को जो है राजस्थान में संपादित कर रहे हैं और आज इसी क्रम में 75 पौधे लगा के अमृत वाटिका का निर्माण किया गया है। पंच प्राण शपथ जो है यहाँ पे स्वयंसेवकों को दिलाई गई है एवं अन्य युवाओं को, छात्र छात्राओं को दिलाई गई है। यहाँ पर जो है जो हमारे देश की रक्षा करने वाले फ्रीडम फाइटर्स हैं, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज या आर्मी और उसके जो लोग हैं उनके परिवारों को और उनको बुला के जो है यहाँ पर जो है उनका सम्मान किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया है, उनके योगदान को जो है युवा पीढ़ी को जो है बताया गया है। इस तरीके से जो है राष्ट्रगीत का जो है गायन किया गया हर संस्था में और झंडा वंदन का भी कार्यक्रम किया गया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम रे तहत श्री गंगानगर में भारत पाक सीमा माथे 34वीं वाहनी सेवा सुरक्षा बल का निशु पौधारोपण कार्यक्रम रखियो गयो। इन मुख्य गांवा से ती गांवारा मौजूद लोग पौधारोपण करवारी शपथ लेनी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम ने ले रहे रामनगर ग्राम पंचायत में भी कई कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत गांवारा सरपंच झंडो फहरावरे साथे कीनी। इन मौके लोगों ने पंच प्रण री शपथ भी दिलाई गई। अमृत सरोवर मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत आज अमृत सरोवर पर पहले शिलान्यास पट्टी का निर्माण करवाया, उसके बाद ध्वजारोहण किया, उसके बाद अमृत वाटिका में वर्षारोपण किया। अमृत वाटिका में करीबन 100 पौधों को वो किया और हर व्यक्ति को उस पौधों की जिम्मेदारी दे रहे। पहले तो हमने वीरों को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद ध्वजारोहण किया और फिर मिट्टी की शपथ दिलाई। सबको शपथ दिलाने के बाद उसको एक कलश में इकट्ठा कर दिया। उसके बाद हमने एक अमृत वाटिका तैयार की है, अमृत वाटिका तैयार की, उसमें करीबन 100 पौधे लगाए। सीकर जिला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम रखा गया। जिलारी पिपराली ग्राम पंचायत रा बाजोर गांव में 75 छायादार और फलदार पौधा लगाया गया। इन कार्यक्रम में गांवरा लोग बढ़ चढ़ शिरकत कीनी। गांवरा लोगों ने इन मौके पंच प्रणरी शपथ दिलाई गई। आज अमृत वन महोत्सव के अवसर पर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनसे वातावरण भी शुद्ध होगा और बच्चों का भी पेड़ पौधों के प्रति जो जागृति है वो उनमें फैलेगी। आज हमारी स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी माटी हमारा कार्यक्रम के तहत राजकीय विद्यालय में 75 वर्ष लगाए गए, जिससे
हरियाली को बढ़ावा मिलेगा और देश के सैनिकों के एक शिलापट का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें देश के शहीदों के नाम अंकित किए गए, जिससे छात्रों में देशभक्ति की भावना का उद्गार होगा और देश रक्षा के लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा। आज हमने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजौर में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम रखा है, इसमें हमने 75 पेड़ पौधे लगाए हैं, जिससे हमारे बच्चों पर, स्कूल के बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरा देश मेरी माटी अभियान चलाया गया है, इसके अंतर्गत आज ग्राम पंचायत बाजौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजौर में 75 पेड़ लगाकर ये अमृत महोत्सव का आगाज किया गया है। इसी में एक फलकम बोर्ड जो हमारे देश के वीर गाथाओं का सृजन करता है, शहीदों की, हमारे सैनिकों की याद दिलाता है, उसका बोर्ड हमने बनाया है। पंचायत समिति पीपराली के सभी गांवों में मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक तो 75 वृक्ष लगाए जाएंगे हर जगह और पंच प्राण के तहत एक शिला फलकम तैयार किया गया है, उस पे शहीदों के नामों का अंकन किया गया है और जो सैनिक हैं उनके नामों का भी अंकन किया गया है, ताकि और वो उनकी जगह कौन सी तय की गई है कि उनकी जगह स्कूल को चुना गया है। चूरू जिला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कई गांव में कई कार्यक्रम रखा गया। इन मौके ढाडर गांव में 75 पेड़ लगाया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी वीरंगनावा और वणारा परिवार वाला रो मान करो गयो। इन मौके मौजूद लोगों ने पंच प्रण री शपथ दिलाई गई। आज पूरे भारतवर्ष में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में ग्राम पंचायत गाँवों में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गांव की शहीद स्मारकों से मिट्टी लेके यहां कलश में इकट्ठी की है और ये आगे कलश की मिट्टी है जो आगे भिजवाई जाएगी। देशभक्ति के लिए, भावना पैदा करने के लिए, बच्चों में ऐसा जज्बा हो कि वो देश सेवा के लिए प्रेरित हों, इस तरह का ये कार्यक्रम किया गया है। आज ग्राम पंचायत घांगू में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव घांगू के जो शहीद हुए हैं, शहीद लखू सिंह जी राठौड़ और शहीद राजेश पगेड़िया के शहीद स्मारक से मिट्टी लेकर और यहाँ जो कलश है, मिट्टी का कलश, उसमें उन दोनों शहीद स्मारक की मिट्टी ग्रामवासियों द्वारा लाई गई और उसमें मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ ली गई। 5 जो प्रण हैं वो लिए गए और उनके तहत वो मिट्टी शपथ लेकर कलश के अंदर डाली गई। आज हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके तहत हम पेड़ पौधे लगाएंगे, 75 पौधे लगाएंगे, मिट्टी के कलश भरकर आगे भेजेंगे, शपथ लेते हैं कि पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे। आज़ादी का 75 पौधा लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे। हम शपथ लेते हैं, ये चूरू राजस्थान की धरती है, चूरू की वीरों की धरती है, बड़ा योगदान दिया है इन्होंने। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत झुंझुनू जिला रा बंदे के बालाजी परिसर में राष्ट्रीय संत चिंतन शिविर रखो गयो। इन माए भारत से ऑस्ट्रेलिया सु आया संत भी शिरकत कीनी। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में आम लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद हा। प्रारंभ किया है, ये जो देश है ये एक महान है। पूरे विश्व के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जिसको माता कहा जाता है, क्योंकि माता ही एक ऐसी होती है जो अपने पुत्र को निस्वार्थ भाव से पालन करती है, केवल पुत्र के कल्याण में ही अपना कल्याण देखती है। ऐसी इस परम पवित्र धरा जिसमें स्वयं परमात्मा ने जन्म लिया है, जिसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे महान आत्माओं ने जन्म लिया है, भगवान को भी जन्म लेने के लिए इस धरा पर आना पड़ रहा है, इस मिट्टी में आना पड़ रहा है। भारत सरकार का मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ भी पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकार की तरफ, भारत सरकार की तरफ से कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के संदर्भ में हमारे यहाँ बंदे के बालाजी मंदिर में, मंदिर प्रांगण में संतों का आयोजन हुआ है।
भारत छोड़ो आंदोलन री वर्षगांठ रे मौके आज भारतीय जनता पार्टी रा सांसद एक अभियान चला रहा है। यह अभियान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण रखे लाभ फैला। इनके तहत आज भाजपा सांसद भारत छोड़ो आंदोलन ने याद करता था कहा संसद परिसर में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मौके एक ट्वीट रे जरिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेबा वाला महान लोगों ने श्रद्धांजलि देनी। गौरतलब है कि गांधी जी री अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन आजादी हासिल करबा में खास भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री इन मौके एक वीडियो भी साझा कियो। प्रदेश में होबा वाला विधानसभा चुनाव ने ले राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। इनी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बांसवाड़ा जिला रा मानगढ़ धाम पुग्या। वणा मानगढ़ स्मारक माथे शहीदा ने श्रद्धांजलि दीनी। इनरे पाछे टाबरा ने स्मार्टफोन बांटर राज्य सरकार री योजना री शुरुआत करी गई। मानगढ़ में राखी गई जनसभा में बोलता थका राहुल गांधी कहो कि हिंदुस्तान री जमीन माथे सबसे पहलो हक आदिवासी लोगारो है। इनसू पहली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि मानगढ़ धाम रा विकास माथे 100 करोड़ रूपया खर्च करया जावेला। विश्व आदिवासी दिवस रे मौके आज राजस्थान विश्वविद्यालय में पौधारोपण और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखो गयो। इन माय मुख्य अतिथि रा रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन शिरकत करता थका आदिवासी दिवस री शुभकामनावां देनी। कार्यक्रम रा आयोजक हीरालाल मीणा बतायो कि आदिवासी दिवस रे मौके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। आज जैसा हम सभी जानते हैं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ यहाँ और शिक्षक साथियों ने मिलकर देराश्री भवन के अंतर्गत एक अच्छा भव्य कार्यक्रम किया है। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इस दिन रक्तदान भी रखा है और साथ में पौधारोपण भी किया है और यही जीवन की दो मुख्य लाइफलाइन है। इस प्रकार से ये जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय के माध्यम से कि सभी स्वस्थ रहें और आने वाले समय में वो किस प्रकार से पर्यावरण को भी संचित करें इसके लिए पौधारोपण किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस रे मौके उदयपुर रा माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि आबकारी महकमा रा अतिरिक्त आयुक्त विधि चंद गर्ग। इन मौके जनजातीय क्षेत्रीय विकास महकमारी निदेशक डॉक्टर तरुण सुराणा से कई वक्ता आदिवासियारा जीवन बाबत बतायो। आदिवासी दिवस के उपलक्ष में TRI राजस्थान उदयपुर द्वारा जो है वो एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया एक दिवसीय, जिसमें कई सारे शिक्षाविद, कलाविद और शोधार्थियों को यहाँ बुलाया गया है और एक विचारों का आदान प्रदान हो रहा है कि किस तरह से एक जनजातीय सभ्यता संस्कृति को संजीवन कैसे रखा जाए, साथ ही इनमें निहित जो अच्छे तत्व हैं जो आज के समाज के लिए उपयुक्त हैं उनको कैसे बाहर लाया जाए। आदिवासी समाज के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में एक अच्छा विचार विमर्श यहाँ पे किया जाएगा। बहुत सारे शोध विद्यार्थीगण, जनजाति कलाकारगण और अन्य विभागों से आए हुए अधिकारी जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। पूरे विश्व में जगह जगह समारोह, कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ एवं वार्ताएँ आयोजित की जा रही हैं। इस दिन को आयोजित सभी कार्यक्रम विश्व के आदिवासियों को समर्पित होते हैं। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने आदिवासियों की समस्याएं सुलझाने और उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक कार्य दल गठित किया था, जिसकी 9 बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। करौली सू 3 अगस्त ने शुरू हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद री न्याय पदयात्रा आज राजधानी जयपुर में दाखिल वेला। ABVP रा राष्ट्रीय महामंत्री हुषार सिंह मीणा बतायो कि प्रदेश में युवावारो उज्ज्वल भविष्य और महिलावारी सुरक्षा सेति कई मामला ने ले न्याय यात्रा काढ़ी जा रही है। विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा 3 तारीख से प्रारंभ होकर 10 तारीख को जयपुर पहुंचेगी। विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट है कि लगातार पिछले 5 सालों में लगातार पेपर आउट होने के समय लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन सरकार ने लाठियों के दम पर इसे दबाना चाहे। हम न्याय मांगने निकले हैं इन पेपर लीक को लेकर, इन छात्रों को न्याय मिले, बहन बेटियों को न्याय मिले और
बहन बेटियों के साथ लगातार बलात्कार उत्पीड़न की घटनाएं पूरे राजस्थान में चल रही है। आज न्याय के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। पेपर लीक और बहन बेटियों के सम्मान के लिए विद्यार्थी परिषद ये न्याय यात्रा निकाल रही है। ये न्याय यात्रा जो ये प्रश्न हमारे हैं कि ये कब हमें न्याय मिलेगा, कब करौली की बहन को न्याय मिलेगा, कब अलवर की बहन को न्याय मिलेगा। भीलवाड़ा में एक बच्ची जिंदा जला दी जाती है बलात्कार के बाद में। ऐसे न्याय के प्रश्नों को लेकर हम ये न्याय यात्रा करौली से निकाल रहे हैं और कल हम जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे। और हमारा ये सवाल गहलोत सरकार से है कि आपकी नींद कब उड़ेगी। ये कैंपस का विद्यार्थी जो आज कैंपस में होना चाहिए ये सड़क पे उतरा है। पहलीरा केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर सामरलाल जाटरी आज छठी पुण्यतिथि मनाई गई। इन मौके राजस्थान विश्वविद्यालय रे लाइफ लॉन्ग लर्निंग महकमा कानीसू राखी गई। ग्रामीण विकास, जल जंगल और जमीन विषय माथे एक संगोष्ठी राखी गई। इन माए राजस्थान विश्वविद्यालय रे कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन, किसान महापंचायत राजस्थान रे अध्यक्ष रामपाल जाट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग महकमा रे निदेशक प्रोफेसर प्रकाश शर्मा सिति बड़ी तादाद में लोग शिरकत कीनी। जानवर, जमीन, ये हमारी आदिवासी संस्कृति है और यही हमारे विकास का आधार है। अभी ये सारा समीकरण डिस्टर्ब हुआ, इसलिए आज आदिवासी दिवस इसका महत्व बढ़ गया। और इसके लिए जीने वाले प्रोफेसर सांवरलाल साहेब, जिन्होंने इसी के लिए जीवन जिया, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। ये अच्छा संयोग है, इस अवसर पर सब मिलकर चिंतन करेंगे, ये बढ़िया बात है, इसी के लिए आज ये प्रोग्राम हो रहा है। राजीविका जयपुर और बैंक ऑफ इंडिया रा साझा तत्वावधान में आज जयपुर जिला रा बस्सी में स्वयं सहायता समूह ऋण वितरण दिवस मनाया गयो। जिला परियोजना प्रबंधक अनुपमा सक्सेना बतायो कि इनमें करीब 1,172 महिलाओं ने ऋण दियो गयो। स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, कोई लोग साबुन बेच रहे हैं, कोई झाड़ू बेच रहा है, कोई डिटर्जेंट बेच रहा है, कोई इवन गोलगप्पा बेच रहे हैं। और ये हमारा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया का, हम QR कोड भी दे रहे हैं ताकि आराम से पेमेंटें वगैरह हो सकें। तो 1,000 कुछ SHG हमारे लोन हमने इस वाले पीरियड में करे हैं और वो सब हम आज बांटने के लिए यहाँ पे कैंप रखा हुआ है। 1,200 कुछ करे हैं हमने और इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की 500 से ज़्यादा महिलाएं आई हुई हैं। तो बहुत बड़ा हमने ये प्रोग्राम कराया है और हम पूरे हर गांव में और हर जगह पे जा रहे हैं SHG लोन देने के लिए, डेयरी लोन देने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लिया है राजस्थान में। ये कार्यक्रम बैंक ऑफ इंडिया और राजीविका जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है और इसमें हम पूरे जयपुर के जो 22 ब्लॉक हैं इनके साथ एक साथ हम मिलके 1,000 महिलाओं को, 1,000 स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, हम SHG को लोन हम दे रहे हैं। और तो 1,001 हमारे यहाँ पर लोन हम देंगे, SHG को लोन देंगे। और इसका जो अमाउंट है, जो राशि रहेगी, वो 60 करोड़ हमारा इसका लोन अमाउंट रहेगा। मैंने अपने ग्रुप में लोन पास करवाया है BOI बैंक से, वहाँ से हमें 1.5 लाख रुपये मिलेंगे जिससे मैं महिलाओं के लिए कोई रोजगार आगे से लूंगी। हम साबुन का धंधा या सिलाई या फिर कोई स्टॉल लगाने का धंधा स्टार्ट करेंगे जिससे हमारी महिलाओं को रोजगार मिल सके। हमें 1.5 लाख का लोन मिला है और उससे हम साबुन का धंधा शुरू करना चाहते हैं, इससे हमारे समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रदेश में अब मानसून का तेवर कमजोर पड़ता जा रहा है। मौसम महकमा मुजब अंदाजो जताया गया है कि 15 अगस्त तक हाले तेज बिरखा का कोई आसार नहीं है। मौसम विशेषज्ञ बतायो कि 15 अगस्त रे पाछे अगर कोई तंत्र सक्रिय होवे है तो मानसून फेरू सक्रिय हो सके है। राजधानी जयपुर में आज ठंडी हवा चालबसु मौसम खुशनुमा रहो। भागों में ड्राई साउथ वेस्टर्ली स्ट्रांग विंड्स का प्रभाव शुरू है, यानी फिलहाल कमजोर मानसून परिस्थितियां बनी हुई है। आगामी एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में कमजोर मानसून परिस्थितियां बनी रहेगी। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दिनांक 10-11 अगस्त को उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य में ब्रेक मानसून कंडीशंस बनी रहेगी। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव माथे लोकसभा में आज दूसरे दिन भी बहस जारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी माथे अमेठी रे सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कीनो पलटवार। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत आसू देश प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान री हुई शुरुआत। राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। कर्तव्य पथ माथे आखा देश री पंचायता री माटी सु बनाई जावेला अमृत वाटिका। भारत छोड़ो आंदोलन री बरसी रे मौके आज भारतीय जनता पार्टी रा सांसद कानीसु चलाए जा रो है अभियान। भ्रष्टाचार परिवारवाद और वोट बैंक री राजनीति रे खिलाफ चलाए गयो है अभियान। विश्व आदिवासी दिवस रे मौके कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानगढ़ धाम में राखी गई जनसभा ने किनो संबोधित। कयो आदिवासी भारत रा पहला निवासी। और प्रदेश में मानसून रा तेवर हुआ कमजोर। मौसम महकमा मुताबिक 15 अगस्त रे पाछे एक बार फिर सक्रिय हो सके है मानसून। और इन साथ ही राजस्थानी बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।